हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी प्ले स्टोर पे एक नया आईडी बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्ले स्टोर पे हम एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो है हमारा अकाउंट जो है यहाँ से चला गया है और हमें जो है यहाँ साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये चेकिंग करेगा और इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो है अपने अकाउंट को लॉग इन करने के लिए बोल रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो है अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, अगर आपको आपके अकाउंट का पासवर्ड याद है तो। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है, आप चाहे तो यहाँ पे पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है एक नया अकाउंट बना लेते हैं, एक नया अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करना है और फिर फॉर माई सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। चलिए यहाँ पे हम भर देते हैं, यहाँ पे हम अपना नेम डाल देते हैं और नेम हमने डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नीचे और अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। चलिए फटाफट से यहाँ पे डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर है, मेल पे क्लिक करते हैं और ये डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप जो है अपना ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हैं, क्या आपको ईमेल रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, क्योंकि आप इसे बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम कुछ डाल देते हैं, जैसे हम अपने नाम के साथ कुछ बना देते हैं। ये हमने कुछ जो है यहाँ पे नाम और नंबर को मिक्स करके डाल दिया है। आपको नंबर भी डाल देना है, क्योंकि आपका नाम सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हमें जो है पासवर्ड पूछा जा रहा है, हमें यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। ये हमने ऊपर में पासवर्ड डाल दिया और उसी पासवर्ड को नीचे उसी तरह से कन्फर्म कर देते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आ गया। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ये आपका रिकवरी नंबर होगा। नीचे करते हैं और यस आई एम इन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म आ गया यहाँ पे। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और आई अग्री पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका ईमेल अब बन गया है। ये आपका ईमेल है, यहाँ पे हमारा ईमेल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा ईमेल है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है गूगल सर्विसेस आ गया है, तो मोर पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्ले स्टोर इधर ओपन हो गया है और बिल्कुल भी अब हमारा जो अकाउंट है वो अब बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अब हम कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी ऐप्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अकाउंट जो है वो अब बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है हमने प्ले स्टोर पे एक नया आईडी बनाना सीख लिया है। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, यूजर आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में आप हमें लिख के बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।